दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल जो सोचने के लिए मिलेगा आपको 5 सेकंड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक मिलती रहे और हर बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, पपीता खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी आप तक पहुँचती रहे और हर बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों इसका सही आंसर है पपीता की सब्जी खाने से सबसे पहले कैंसर की बीमारी नहीं होती है, दाद खाज खुजली नहीं होती है, भूख खूब लगता है और खाने को खाना दिल करता है, किडनी की बीमारी नहीं होती है, लीवर की बीमारी नहीं होती है, लीवर एकदम सुपर और टाइट बन जाता है। दोस्तों सवाल नंबर दो, मटर दाल किसको नहीं खाना चाहिए? दोस्तों मटर की दाल किसको नहीं खाना चाहिए? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हरदम अच्छा जानकारी पाने के लिए दोस्तों, कि अच्छा जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है अस्थमा वाले रोगियों को नहीं खाना चाहिए मटर की दाल। अस्थमा वाले रोगी अगर मटर की दाल खाते हैं तो तरह तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाएगी, यानी अस्थमा जोर हो जाएगा तो सांस फूलने लगेगा और सारा पैसा जो पैसा होगा घर का वो सब बीमारी में लग जाएगा, इसीलिए न खाएँ। सवाल नंबर तीन, दिन भर में पानी कितना लीटर पीना चाहिए एक आदमी को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जल्दी कर दीजिए अच्छा जानकारी पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है लगभग 5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। जो व्यक्ति 5 लीटर पानी दिन भर में पीते हैं उनकी शरीर जो है स्वस्थ रहता है, लीवर खराब नहीं होती है, आंतें कभी भी खराब नहीं होती है, इसीलिए खूब पानी पीना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर चार, पनीर खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलती है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है पनीर खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, हड्डी जो है बुढ़ापे तक मजबूत बनकर के रहता है, दांत मजबूत बनकर के रहता है, इसीलिए पनीर खूब खाना चाहिए दोस्तों। अगर पनीर नहीं है तो दूध भैंस का खूब पिए। सवाल नंबर पाँच, कमज़ोर लोगों को ज़्यादा क्या खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक मिलती रहे दोस्तों बीमारी से मिटने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है मूंग की दाल खूब खाना चाहिए कमज़ोर लोगों को। जो व्यक्ति मूंग की दाल खूब खाते हैं उनकी शरीर कमज़ोर नहीं होती है, मोटापा बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी अच्छा रहती है, लीवर कमज़ोर नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों मूंग दाल खूब खाएं। थैंक यू दोस्तों।